आपको चिकन डिनर करना एकदम मजबूती से, तो टीम वर्क बहुत जरूरी है पबजी में। ये वीडियो इसी के बारे में बनी है, देखे आप। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और लाइक कर रहे हो तो यार सब्सक्राइब। तो हेलो गाइस, हम इस घर में आए और मुझे आगे वाले घर में बंदे दिखे, तो मैं उन्हें पेलने लगा और मैंने वहाँ पर एक बंदे को रश भी कर दिया, नॉकआउट हो गया था वो। तो फिर हम पेलने लगे, मैंने मेरे पार्टनर को लेट्स गो कहा और हम पेलने चले गए। और ये गलती आप मत करना गाइस, मैं मर सकता था यहाँ पर, लेकिन किस्मत से बच गया। और यहाँ पर तो देखो, पेल ही दिया था उन्हें मुझे, लेकिन मेरे पार्टनर ने बचा लिया। एक ही शॉटगन में खेल खत्म उसका। तो उसने मुझे रिवाइव दिया और हम जोन आने के कारण से चले गए बाहर जल्दी से। और यहाँ पर मुझे भागते हुए बंदा दिखा था गाइस, और मेरे पीछे भी एक बंदा था। देखिए कि वो मुझे किस तरह दिखा। कभी भी गाइस एकदम दीवार को चिटक के मत करना, जो भी करना है। तो देखिए अभी मैंने उसे देख लिया है और कैसा रश कर देता हूँ उसे मैं देखे। इसलिए ज़्यादा ज़्यादा उसके नज़दीक मत जाना दीवार के, आपका ग्लिच हो जाता है बाहर। तो मैंने अगले वाले बंदे को मारने को देखा, तो वो बच गया मेरे हाथों से। और उसने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई थी गाइस, वो उधर पीछे से घूम के आ रहा था, लेकिन मैंने उसे देख लिया और वो रश हो गया मेरे हाथों। गाइस ये वीडियो जो खास करके बनाई है, ये स्ट्रेटजी के ऊपर और टीम वर्क के ऊपर बनाई है, क्योंकि स्क्वाड के साथ खेल रहे हैं हम, तो हमेशा टीम वर्क के साथ खेलना चाहिए। तो हम जल्दी से जोन की तरफ गए, मैंने लूटा सामान। और जोन की तरफ जाते ही मुझे एक बंदा दिखा झाड़ की तरफ, तो मैंने उससे वही पेल दिया। और यहाँ पर मेरे जो पार्टनर को नॉकआउट कर दिया था एक एनिमीज ने, ऊपर से एक ही बंदा बचा था बस। तो मैंने उसे हील करा, मैंने अपने पार्टनर को। हमेशा गाइस ये देखना कि पार्टनर को रिवाइव कैसे किया जाए। स्मोक हो रहा तो स्मोक को फेंक देना, क्योंकि आप अकेले स्क्वाड के सामने जीतना मुश्किल है, इसलिए पार्टनर को बचाने की कोशिश करना चाहिए। ये तो भी अच्छा है कि वहाँ पर झाड़ था, मैंने झाड़ का सहारा लिया और मेरे पार्टनर को रिवाइव दे दिया। जोन में जो जो चीज़ें रहती है, ड्रिंक वगैरह, वो पी लेना चाहिए। और फिर हम लोग चले गए उस अकेले बंदे को रश करने के लिए। और यहाँ पर मुझे बिल्कुल डरने लग रहा था, क्योंकि हम दो बंदे थे और वो अकेला था। अकेला भी किल कर सकता है, यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना गाइस। तो चल गए हम, मैं ऊपर गया देखने, मेरा पार्टनर वही था। तो मेरे पार्टनर को पता चल गया होगा कि वो जोन की तरफ गया और उसने उसे किल कर दिया। और क्या होना था, चिकन डिनर। तो दोस्तों, टीम वर्क हमेशा साथ आती है, हमेशा टीम के साथ खेलना चाहिए, अकेले मत भागा करें। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।